हेलो दोस्तों, तो बात करते कि निफ्टी में आज क्या काम करना था, कैसे मार्केट में मूवमेंट हुआ उसके बारे में पूरी बात करेंगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि अभी कल के लिए मार्केट में क्या प्लानिंग होना चाहिए 15 जून के लिए। तो पहले तो देखो, आज मार्केट जो क्लोज हुआ था वहां से लगभग 100 रुपया गैप अप ओपन होने की, 100 पॉइंट गैप अप ओपन होने की कोशिश किया मार्केट ने, लेकिन मार्केट वहां पे सस्टेन नहीं हुआ। आपने देखा होगा पहले ही 5 मिनट में मार्केट, जहां पे जो मैंने आपको बताया था कि मोमेंटम मार्केट को लैग कर रहा है, मोमेंटम पकड़ नहीं पा रहा है, वापस फॉलो अप बाइंग नहीं आ रहा है मार्केट में, तो वहां से देखो वापस मार्केट नीचे आया। लेकिन मार्केट फॉलो अप बाइंग नहीं आ रहा है, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में ऐसा भी नहीं है, तो आप यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं कर सकते। करेंगे तो बिल्कुल बाइंग जोन के नजदीक ट्रेड करो, जो भी 10 15 20 25 50 पॉइंट मिलेगा उतना ही बुक करना है, और ज्यादा बड़ा रैली का एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये ऑलरेडी कल मैंने आपको बताया था। अभी आज के लिए क्या चेंजेस हुआ, देखो कि आज पूरा दिन मार्केट कंटिन्यू सस्टेन हुआ। और एक आप ऑब्जर्व करेंगे, ये जो कल का स्विंग लो था उसके ऊपर स्विंग लो बनाया, वापिस अगला स्विंग भी उसके ऊपर ही बना रहा है, तो हायर लो हायर लो हायर लो का पैटर्न तो बन रहा है, लेकिन ऊपर हायर हाई नहीं बना पा रहा है। तो ये रेंज, ये जो बाकी सर ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ करते हैं उसका अगर आप बताओगे, यहाँ पे ड्रॉ करके देखेंगे तो पता चलेगा कि एक रेंज बन रहा है। जैसे ही उसका ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट में रैली आना स्टार्ट हो जाएगा। आप सिंपल प्रोसेस करेंगे कि ये जो पिछला हाई है इस रेंज के, मार्केट जब नजदीक आएगा उसको जब क्रॉस कर लेगा तो मार्केट जोर से ऊपर जा सकता है। तब तक तो मार्केट में ये साइडवेज मोमेंट कंटिन्यू करेगा। ये सिंपल प्रोसेस कल के लिए आपको फॉलो करना है। अभी भी आप देखो जितना डिप मिलेगा खरीदना है, 2 3 दिन से कंटिन्यूसली वही जोन में मार्केट आता है, वहां से नीचे आता है, अपने सपोर्ट जोन पे वापिस मार्केट ऊपर जा रहा है, यही पूरा प्रोसेस चलेगा। जब तक सेलिंग रेंज के नीचे मार्केट नहीं जाता तब तक मैं शॉर्ट तो नहीं करूंगा। ये सिंपल फंडा है, ऑलरेडी पोजीशन अगर कुछ फ्यूचर में रखा होगा तो उसको कैरी जरूर कर सकते हैं। ऑप्शन का पोजीशन निकालना है, यहाँ पे ज्यादा ऑप्शन बाइंग करके चांसेस नहीं है, मोमेंटम का वेट करना है। कैसे पता चलेगा, जब पहला 15 मिनट का मार्केट ओपन हो जाएगा तो फर्स्ट 9:15 से 9:30, ये जो फर्स्ट 15 मिनट्स का जो मार्केट का हाई रहेगा उसको अगर मार्केट ब्रेकआउट करते दिखेगा, वापस उसके ऊपर मार्केट जाते दिखेगा, तो समझना है कि मार्केट में मोमेंटम फॉलो होने वाला है, तो आप जरूर उसमें ट्रेड करेंगे। अदरवाइज वो चीज नहीं हो रहा है, तो कोशिश करो जब बिल्कुल उस बॉटम पे मार्केट मिल रहा है, ये अपने सपोर्ट जोन पे मिलेगा तो ट्रेड करो, अदरवाइज मार्केट को छोड़ो। शायद कल का दिन ऐसे ही जाएगा और फिर मंडे से जरूर मार्केट में मोमेंटम आएगा, ये लग रहा है। तो शायद और एक दिन आपको ये मार्केट में, जो 3 दिन से, अभी आज का दिन पकड़ेंगे तो 3 दिन हो गया, 3 दिन से जो साइडवेज मूवमेंट चल रहा है, कल का और एक दिन रहेगा, कल के एक दिन के लिए वापस आपको ये बर्दाश्त करना है, और उसके बाद फिर मंडे से मार्केट लग रहा है वो ब्रेकआउट कर देगा, आइदर साइड ब्रेकआउट करेगा, ज्यादा चांसेस अपर साइड ज्यादा है, लेकिन हमेशा मार्केट सरप्राइज के लिए आपको हमेशा रेडी रहना होता है। अगर मार्केट कोई भी रीजन की वजह से डाउन साइड ब्रेकआउट करता है तो हम उस अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे, लेकिन अभी के लिए जो 3 दिन से रेंज चल रहा है कंटिन्यूसली सेम रेंज फॉलो करना है, सेलिंग रेंज का मार्केट रिस्पेक्ट करना है, उसके नीचे मार्केट नहीं जा रहा है, और जरूर बाइंग जोन के अंदर अंदर मार्केट जाके वापस ऊपर जा रहा है, तो दोनों रेंज के अंदर मार्केट अटका हुआ है, जब निकल जाएगा तो मार्केट में ट्रेड करेंगे। ये सिंपल फंडा अभी भी कल के लिए भी फॉलो करना है, तो यही स्ट्रेटेजी है, यही लेवल है जो मैं 3 दिन से बता रहा हूँ, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, सेम लेवल अभी भी हमें कल के लिए, इंट्राडे के लिए इतना कंटिन्यू लेवल, कोई चेंजेस नहीं है। अगर मैं चेंजेस करूँ भी तो माइनर 5 10 रुपए का चेंजेस होता है, तो कंफ्यूजन क्यों बढ़ाना है, उससे अच्छा जो लेवल है वही कंटिन्यू करेंगे, कोई मार्केट में लेवल में चेंजेस नहीं है। जो मार्केट में हम 23,409 से लेके 380, ये जो रेंज है यही बाइंग जोन मार्केट में बना रहेगा, और जिस दिन मार्केट में मोमेंटम आएगा तो यहाँ पे जो ट्रेड बन रहे और जो सस्टेन हो रहा है वही मार्केट को आगे लेके जाने वाले है, तो यही प्रोसेस होगा। सिर्फ बात क्या हो रही है कि यहाँ पे मार्केट जब आ रहा है तो बाइंग तो आ रही है, लेकिन उसके बाद फॉलो अप बाइंग रुक जा रहा है, वापिस अपर जोन पे आता है, वापिस नीचे लोअर जोन पे आता है, वापिस अपर जोन पे आ रहा है, तो उसी जोन में मार्केट खेल रहा है। एक बार ब्रेकआउट होगा तो जरूर मार्केट में मोमेंटम आएगा, और मैंने बता दिया कि कैसे ब्रेकआउट होगा। फर्स्ट 15 मिनट्स का हाई जैसे ही मार्केट ब्रेक करेगा जिस दिन भी, उस दिन देख लेना मार्केट जबरदस्त मार्केट में रैली मिलेगा, और उस दिन आपको ऑप्शन ट्रेड करना है, ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करेंगे, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।